यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। वहीं लोकतंत्र सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक और सांसद राजकुमार सैनी मेवात पहुंचे। उन्होंने शहीद करीम खान की 183वीं शहीदी दिवस के मौके पर दादा घुड़चड़ी कुश्ती दंगल में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद सैनी ने किसानों पर कहा कि लाठीचार्ज किया जाना गलत है, साथ ही बीजेपी सरकार पर निशाना साधा गया। पीएम नरेंद्र मोदी के हरियाणा दौरे को लेकर सीएम ने कहा कि हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा हमने भी दिया था, पसीने बहाए सरकार बनाई, लेकिन अब सरकार बहुत बदकिस्मती है। जो लोग स्वामीनाथन रिपोर्ट के लिए सरकार बना करके लोगों को बहकाते रहे, आज उनको स्वामीनाथन याद नहीं है, आज उनको वो किसान भी याद नहीं है। देश के लिए किसान, जिस देश की रीढ़ की हड्डी दुखती हो, जिस प्रदेश की, जिस इंसान की रीढ़ की हड्डी दुखती हो और वो उसकी पैरवाई ना करे तो कोमा में चला जाता है। अगर हमारे देश का किसान कमजोर रहेगा, भूखा रहेगा, गरीब रहेगा, बेरोजगार रहेगा, तो फिर ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए जो बर्बरतापूर्ण उनके साथ व्यवहार किया गया, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं जिन लोगों ने ऐसा किया। और ये मेरा विषय है कि किसानों की जो स्वामीनाथन रिपोर्ट का विषय है उसको तुरंत लागू करके और जो फसलें खराब हुई हैं उन लोगों की भरपाई तुरंत गलदौरी करके खींच।